दोस्तों गुड मॉर्निंग। संडे सुबह तारीख 5 सितंबर 2021 को आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है आपका भाई डीएसके राइडर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत अच्छा हूँ। आज का दिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। सुबह 5 बजे ऑलमोस्ट मेरी नींद खुल गई थी, फिर नहा धो के फ्रेश हो गए, अपने जो सुबह के नित्य आयामी काम होते हैं करके आपका भाई आज निकल चुका है बहुत टाइम बाद राइड के लिए। अब कहाँ जाना है ये पता नहीं है, पर जाना ज़रूर है ये कन्फर्म है। तो देखते हैं कहाँ तक अपने को मंजिल लेकर चलती है। बिन मंजिल का सफ़र है, बस एक यूँ है कि कहीं पर भी जाएंगे तो इंजॉय करेंगे राइड को और देखते हैं कहाँ स्टे ले सकते हैं या कौन सी अच्छी जगह चल सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों आप भी सांस में जुड़ जाइए मेरे सफ़र बिन मंजिल पर जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं। हमेशा साथ दीजिएगा और शांतिपूर्वक सफल कीजिएगा मेरा ये सफर। जय गंगल। चलिए दोस्तों अब चलते हैं। प्यारे दोस्तों मैं हर बार कहता हूँ आपको कि भाई देखो यार, गाड़ी पर चलते हुए फ़ोन पर बात मत करो यार, बहुत बुरा है। एक तो गाड़ी पे बाइक पे चलते हुए आप फ़ोन पर बात करते हो और दूसरा आप हेलमेट का यूज़ नहीं करते। देखिए दोस्तों मेरा आप सबसे यही कहना है कि हेलमेट यूज़ कीजिए यार, देखो आपकी ज़िंदगी बहुत अनमोल है और अच्छी क्वालिटी का हेलमेट यूज़ करें। और हेलमेट ऐसे रखेंगे आप अलग अलग अपने ड्रेसअप के हिसाब से हेलमेट रखोगे यार। आप अगर आप एफोर्ड कर सकते हो तो आप 5-6 हेलमेट खरीद लो, 2-2, 3-3 हज़ार के अच्छे, 2-2.5-3 हज़ार रुपये में अच्छा हेलमेट आता है जो आपकी जान को बचा सकता है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, स्टडी के बहुत अच्छे हेलमेट आते हैं, तो आप उन्हें लीजिए और यूज़ कीजिए, कहाँ उसमें आपको तकलीफ हो रही है। और हेलमेट पहनने से कभी कोई बोझ नहीं बनता है, ना ही आपका मेकअप बिगड़ेगा, ना ही आपके बाल बिगड़ेंगे। आपकी ज़िंदगी से बढ़कर आपके बाल नहीं हैं मेरे दोस्तों, मैं हज़ारों बार आपको कह चुका हूँ। प्यारे दोस्तों हेलमेट पहनने का आप दौर आ चुका है, हेलमेट पहने, क्योंकि आने वाला टाइम क्या स्पीडली काफ़ी है, सब लोग स्पीड के पीछे भाग रहे हैं। और स्पीड में अगर भगवान ना करे किसी के साथ कोई हादसा हो, पर कुछ होता है तो हेलमेट आपकी बहुत बड़ी रक्षा कर सकता है। तो प्यारे दोस्तों मेरा आपसे यही कहना है, हेलमेट पहनो यार, बहुत ही बुरी आदत है। मेरे उदयपुर में मैंने देखा है यहाँ पर क्या पुलिस का रवैया बहुत ढीला है इस मामले में, लिटरली बता रहा हूँ मैं। ये गलती लोगों की नहीं है, गलती पब्लिक पुलिस की है कि पुलिस का रवैया बहुत ही ढीला है। हेलमेट पहनने के लिए अभियान चलाते हैं, अभियान 6-7 दिन हुए, अच्छे खासे चालान कटे, अखबार में न्यूज आ जाती है कि 7 दिन में पुलिस राजस्व में इतने लाख रुपए जमा हुए और बस फिर बंद। ऐसा होना चाहिए लोगों के मन में डर, पहले डर होना चाहिए। देखो पुलिस का डर बहुत बड़ी चीज है भाई, पहले होना चाहिए डर कि नहीं भाई, इंसान के अंदर डर होना चाहिए। और डर इस तरह का होना चाहिए कि घर से बाहर भी इंसान निकलता है तो उसके मन में डर होना चाहिए, नहीं यार चालान कट जाएगा। पर इतने पुलिस फोर्स तो है
के उदयपुर के हर नुक्कड़ पे, हर गली के मोहल्ले में, हर चालान के लिए ऐसी व्यवस्था करें हेलमेट पहना लेने के लिए, क्योंकि समझाने से नहीं समझते हैं। पुलिस भी काफ़ी प्रयास करती है कि समझाने का प्रयास करती है, पहले समझाती है, फिर आप चालान काट दो 200-500 हज़ार रुपये का, इससे बढ़िया उसको बोलो 500 का चालान है, आप 1000 रुपये जमा कराओ, हम आपको हेलमेट दे रहे हैं। तो इसके लिए पुलिस प्लस जनता को सबसे बड़ी चीज़ अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा, और अपने आप को जागरूक करेंगे तभी आप सक्सेस बन पाएंगे, तभी आप सक्सेस होंगे कि हेलमेट पहनना चाहिए। हेलमेट पहनने से लुक भी आता है, ऐसा नहीं आप बाइक चला रहे हो अच्छा हेलमेट पहनो आपको क्या लुक आएगा। बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े राइडर हैं, महंगे महंगे 1-1 लाख के हेलमेट पहनते हैं, तो क्या उनका लुक बिगड़ जाता है, उनका चेहरा नहीं दिखता है, पर उस हेलमेट और उस क्या बोलते हैं उसको, उनके राइडिंग जैकेट, राइडिंग पेंट, जो उनका राइडिंग शूट होता है उस शूट के साथ में हेलमेट का जो फोटो आता है ना अल्टीमेट, उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको JS फिल्म्स के जो है यूट्यूबर JS पाजी, उनके आप अभी K2K के आप देखें उनके फोटोग्राफ, इतने अल्टीमेट फोटोग्राफ आए हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है यार। मैंने खुद ने देखे उनका, बहुत कम फोटो है जो विदाउट हेलमेट है, और हेलमेट में भी वो आदमी एक मॉडल लग रहे हैं। उनकी रेसिंग बाइक के साथ में हायबुसा, उसके बाद में ड्रेसअप, और फिर हेलमेट, अल्टीमेट लग रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखें यार आप भी, चलिए मिलते हैं। तो प्यारे दोस्तों अभी अपन चित्तौड़ रोड पे रुके हुए हैं, यहाँ पर हमारे यहाँ फेमस अभी जो रोड कटरा आप देख रहे हैं इसके पास में माता जी का मंदिर है, और ऐसी मान्यता है कि अगर इस रूट से कोई गुजर रहा है तो इस मंदिर पे अगर रुक कर या यहाँ पर अगर माला चढ़ा के या जो भी होता है उसकी श्रद्धा के अनुसार बोल कर जाता है तो भगवान कहते हैं माता जी उसकी रक्षा करती है, सही सलामत उसे वापस लेकर आती है। और मेरी ये श्रद्धा है कि अगर मैं इस रूट से निकलता हूँ तो यहाँ रुके बिना नहीं जा सकता हूँ। तो अभी मैं यहाँ हमेशा जिन से फूल खरीदता हूँ तो दोनों बंधु मिल गए मुझे। तो क्या नाम है भैया आपका, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फतेहलाल जी। आपका अंकल जी? देवी शंकर जी। ये दोनों बंधु अपने मिल गए, इन्होंने कैमरा वगैरह देखा तो बोले भैया आप क्या करते हो, मैंने कहा अपना चैनल है, तो इनको अपने चैनल के बारे में बताया, इन्होंने सब्सक्राइब किया है और आज के बाद में वीडियो देखेंगे, और कल आप भी इस वीडियो में आ जाओगे ठीक है, इस चैनल पे देखना ठीक है। आपको नाम याद नहीं रहे तो मैं आपको कार्ड दे देता हूँ, तो आप इस चैनल को निकाल कर देखना ठीक है, और अपने यार दोस्त जितने भी हैं सबको बोलो सब्सक्राइब करें ठीक है। सदस्य अलग, अगर हिंदी में देखते हो तो लिखा हुआ आएगा सदस्यता अलग, और इंग्लिश में देखोगे तो लिखा हुआ आएगा सब्सक्राइब करें ठीक है। ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब आपके वैसे मैंने कर दिया है, बाकी लोगों को आप करवा देना ठीक है। इंस्टाग्राम भी है तो फॉलो कर देना, इसके ऊपर काफ़ी बढ़िया बढ़िया वीडियो भी आते हैं ठीक है। आपको बोला था पहाड़ी भी दिखाऊंगा, मंदिर भी दिखाऊंगा, और झरने भी दिखाऊंगा, तो आगे देखो हो सकता है मैं आपको झरने भी दिखा दूं। तो पहाड़ियों का सुबह सुबह देखिए आप, कोहरा जमा हुआ कितना प्यारा लग रहा है, और बहुत दिनों बाद सुबह सुबह राइड पर निकला हूँ, ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओ माई गॉड, रूट तो इधर से इधर जाने का बंद हो गया, तो अब कैसे जाया जाएगा, पुलिये के नीचे से उतर जाके वापस इधर आना पड़ेगा या इधर से इधर जाने का रास्ता है, देखते हैं क्या है, क्योंकि अपने को जाना है रोड क्रॉस करके उस तरफ। अबे 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 रुक जा, हाँ चल गए, चलो एक यार रूट हमारे यहाँ 6 लेन बन गया है, तो रोड बीच में से बिल्कुल बंद कर दिया है, तो रोड बंद करने के कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं कि अब शॉर्टकट लेना पड़ेगा। तो दोस्तों देखें आप पुराना उदयपुर, ये है पुराने उदयपुर की जगह, ये किले उदयपुर शहर की जो कहते हैं ना परकोटा दीवार, उसका एक गेट यहाँ पर, इतना यहाँ तक उदयपुर शहर हुआ करता था। देखें आप इस गेट को कितना विशाल और कितना शानदार है। तो चलिए चलते हैं अपन इसके अंदर से, देखिए पुरानी छतरियां बनी हुई हैं, और शायद पुलिस विभाग का कार्यालय है, पुलिस चौकी या पुलिस स्टेशन ऐसा कुछ है, जय हो राजेश्वर मंदिर।
यहाँ पर तो मैं आ चुका हूँ, तो अब देखते हैं कि उधर जाने का रास्ता कैसे बनेगा। वापस अपने को उल्टा जाके नहीं यार, अपने को वापस पीछे आ गए, अपने को यहाँ से इधर जाने का, इधर से उधर जाके उधर आने का, पर इधर वाला दूर काफ़ी पड़ जाएगा, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इधर से ले लेते हैं। इधर से आंटी जी ने अपने को लंबा सफ़र बता दिया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इसी बहाने अपने को ऐतिहासिक चीज देखने मिल गई। इंडस्ट्री आप देख रहे हैं, ये वेदांता ग्रुप की वर्ल्ड फेमस जिंक्स मैटर हो गया है, और वेदांता ग्रुप की कंपनीज है और काफ़ी बढ़िया है, इस वजह से इस एरिया का भी काफ़ी विकास हो चुका है। अच्छे स्कूल, अच्छे पार्किंग्स, अच्छे हॉस्पिटल्स और रेजिडेंस के हिसाब से भी काफ़ी बढ़िया जगह हो चुकी है, तो अच्छा लगता है कि मेरे को ऐसी बड़ी इंडस्ट्रीज आएगी, तो बड़ी इंडस्ट्रीज़ की वजह से काफ़ी कुछ बेनिफिट होता है आसपास के एरिया को। गुड मॉर्निंग फ्रॉम DS राइडर। दोस्तों अपन ने अब टाइम हो चुका है, बट घड़ी थोड़ी अंदर है, घड़ी को निकालने दीजिए। टाइम हो चुका है एग्जैक्ट 7:29 हो चुके हैं, और अपने सफ़र तय कर लिया है, मैक्सिमम 53-54 किलोमीटर मैंने एरिया कवर किया है, और अपने सफ़र बिन मंजिल का यही है कि अपन कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं है, पर देखते हैं अब कहाँ जा सकते हैं। यहाँ से आगे एक प्रसिद्ध माता जी का मंदिर है, तो वहाँ चलते हैं, और फिर वहाँ से अगर हो सकेगा तो अपन आगे चलेंगे, नहीं तो फिर वापस अपन उदयपुर को निकल चलेंगे। तो कैसा लगा आपको आज का सफ़र बताइएगा ज़रूर, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे, अभी अपन रुके हुए हैं बम्बोरा करके गाँव है, बम्बोरा ही है, हाँ बम्बोरा करके गाँव है, यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके काफ़ी, क्योंकि सुबह जल्दी निकलने के कारण काफ़ी सुस्ती आ रही थी, तो अब अपन चाय पीते फिर बढ़ते हैं आगे, तो बने रहो साथ में और सफ़र का आनंद लो। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। अपने भी दिन आएंगे प्यारे, कुड़ियाँ हमें भी करेगी इशारे, ये गाना है दोस्तों, एक मूवी आई थी उसका नाम है जिमी, और मूवी के हीरो थे अपने मिथुन दा के बड़े वाले बेटे मिमोह चक्रवर्ती, बहुत अच्छा डांस किया था मिमोह ने उसमें, और गाने भी उस मूवी के अच्छे थे, एक दो गाने दो तीन गाने अच्छे थे, पर यार वो कहते हैं ना, मतलब वो का वही कॉन्सेप्ट था, स्टोरी बहुत बकवास थी इस मूवी की। मिथुन दा के बच्चे ने काफ़ी मेहनत की, उसमें बॉडी भी उसने बनाई थी, उसने डांस भी अच्छा किया था, पर स्टोरी बकवास थी मूवी की, और डायरेक्शन इतना अच्छा था नहीं, और वो जब लॉन्च हुए उसमें बॉलीवुड में और भी वो कहते हैं स्टार किड्स आ रहे थे, तो इतना उनका इम्प्रेशन जमा नहीं, और उस बंदा अपने रिलॉन्च कभी हो ही नहीं पाया, बाकी बहुत अच्छा बंदा था, मुझे पर्सनली बहुत अच्छे थे, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता था उसका डांस, क्या बात है, इतना बड़ा सरकारी ऑफिस बन गया यहाँ पे, वेरी गुड। देखें मेहमान, ओहो हो, मेहमानों के मजे हैं भाई, तो बहुत बढ़िया लगता था मुझे बंदा वो, काफ़ी टाइम तक मैंने जब ये गाना गुनगुनाया ना, ये गाना मैं बहुत लंबे टाइम तक सुना है मैंने गाना, मतलब मुझे मेरी गाड़ी में या मैं मोबाइल में या ईयरफोन में सुनता रहता था काफ़ी लंबे समय तक, पर अब समय के साथ साथ सारी चीज़ें बदल जाती हैं, तो ये भी बदल गए। प्यारे दोस्तों यहाँ अपन ने कोई ब्रेक नहीं लिया है,
पर पता नहीं क्यों मेरी इच्छा सी होगी रुकने की इस जगह को देखकर। देखें दोस्तों कितनी प्यारी जगह यार, ये सारे कमल के पौधे हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे कुछ कमल के पौधे हैं। और वो देखिए ना कितना प्यारा सा, बीच में सिर्फ महादेव जी का मंदिर है और चारों तरफ कमल ही कमल। अल्टीमेट जगह है, तालाब है छोटा सा, उधर से तालाब आ रहा है, तालाब यहाँ पर एनी कट है, इसका छोटा डैम बोल सकते हैं, यहाँ से भी पानी, बाकी पानी आ इधर से रहा है, यहाँ पर आ रहा है। और मंदिर वास्तव में बहुत अच्छी जगह बनाया है। जय हो महादेव, वक्रतुंडम महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नम गुरुदेव, सर्वकार्येषु सर्वदा, जय हो प्रिय प्रभु। आनंद आ गया। चलिए दोस्तों निकलते हैं आगे, अपन कहीं और जगह चलते हैं। और यार वास्तव में बंदे ने सच्चे मन से दिया था फूल, अभी तक फूल गिरा नहीं है, थैंक गॉड। चलो बढ़िया, बहुत अच्छी बात है यार। तो चलिए दोस्तों बने रहो। मेहमानों क्या हाल है तुम्हारे? इस रूट पे मैं काफी टाइम बाद आया हूँ, तो रास्ता भूल सा गया एक बार, तो थोड़ा सा ऐसा लगा अरे यार मिस हो गया यूं। तो कोई नहीं, वापस अपन ने किसी से पूछ लिया और सही रूट पे अपन निकल चले। अब थोड़ा सा दिन खुल चुका है तो लोग भी थोड़े मिलने लग गए, मेहमान कम हो गए। पिक आप तो दिखाऊंगा तो आप देखकर भी आश्चर्य करेंगे, वाह यार कैसे। अपने को अब जाना है शक्तिपीठ इनाना माता जी मंदिर, यहाँ से कुछ 6 किलोमीटर की दूरी अंदर है और बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी मंदिर है। इस मंदिर के बारे में मैं आपको और डिटेल आगे बताऊंगा। बड़ा मंदिर है और काफ़ी यहाँ पे पब्लिक आती है, संडे के दिन बहुत भीड़ रहती है, तो इसी कारण से काफ़ी लोग आते हैं, तो दुकानें वगैरह लगी हुई हैं। तो पढ़ते हैं, अभी सुबह सुबह का टाइम है इसलिए अपने को ऐसा है कि अपन जा पा रहे हैं चल मंदिर तक गाड़ी लेके, अन्यथा अपन बाइक लेकर वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो फाइनली अपन पहुंच गए हैं। कितना किलोमीटर है उदयपुर से? उदयपुर से 64 किलोमीटर है फिक्स अपने घर से जगह। तो बस मिलते हैं मंदिर के अंदर जाके। प्यारे दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डीएसके राइडर पे। अपन हैं उदयपुर क्षेत्र की वैष्णो देवी कहे जाने में इडाना माता शक्तिपीठ पर। तो इस मंदिर की काफ़ी महत्वता है और इस मंदिर के बारे में मैं अगर इतिहास बताऊं तो कब से कितना पुराना मंदिर है इस बारे में कोई नहीं जानता है कि मंदिर कब से है और कितना पुराना है। बस ये है कि ये मंदिर पहाड़ों के बीच में बना हुआ है और मंदिर की जो मूर्ति है वो भी एक पहाड़ पर है, एक छोटी सी पहाड़ी पर बनी हुई है। और मैं तब से आ रहा हूँ जब यहाँ पर ये जो आप सब देख रहे हैं ना, आगे अपन तक जाके दिखाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक पहाड़ पे माता जी का मंदिर बना हुआ है और एक फेस बना हुआ है, चेहरा बना हुआ है, स्वयंभू है। तो बस वही चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है इस मंदिर के बारे में कि आपने कभी ऐसा कोई चमत्कार नहीं देखा होगा कि कहीं पर ऑटोमेटिक जो भी चढ़ावा चढ़ता है इस मंदिर में मूर्ति के ऊपर, फूल मालाएं चुनरी या जो भी चढ़ता है,
एक ऐसा समय आता है, उस समय के बाद ऑटोमेटिकली आग लगती है जिसको अग्नि स्नान बोलते हैं, और उसके बाद में वो चढ़ाया हुआ सारा कुछ ऑटोमेटिकली स्वाहा हो जाता है, मतलब एक तरीके से जल जाता है। फिर से हाजिर आपका भाई धर्म फ्रॉम डीएसके राइडर से। अब अपन निकल रहे हैं यहाँ पे, अपने दर्शन वगैरह हो गए, चाय नाश्ता भी अपने कर लिया है, और आपसे एक इंसान को मिलाना है, एक भैया हैं अपने, काफ़ी बढ़िया इनका, और आते ही पानी वगैरह अपनी चीज़ें भी, सारी चीज़ें इनके यहाँ से एकदम इनकी शॉप में पड़ी रही, और नेचर वाइज काफ़ी बढ़िया है। वैष्णव नारियल एवं होलसेल नाम से इनकी शॉप है।